उन्नाव के बांगरमऊ कस्बे के कटरा मोहल्ले में बने दुर्गा मंदिर के पुजारी के ऊपर हुआ प्राणघातक हमला। बांगरमऊ मोहल्ला कटरा स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी कमलेश दास बाबा के ऊपर अराजक तत्वों ने किया प्राणघातक हमला। हमला करने वालों के नाम मनोज तिवारी, आशीष तिवारी एवं संजय। हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अविनाश गुप्ता ने बताया कि बांगरमऊ कोतवाली पुलिस मामले को लीपापोती करने में लगी हुई है। इनको बांगरमऊ थाने से फोन द्वारा जानकारी मिली कि दोनों पार्टी के ऊपर केस दर्ज किया गया, जबकि मंदिर के पुजारी के शरीर में गंभीर चोटें हैं। पुजारी का हाथ टूट चुका है, जो कि उन्होंने एक्सरे भी दिखाया। दूसरी पार्टी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुजारी के द्वारा बताया गया कि दूसरी पार्टी के घर में बांगरमऊ कोतवाली के कुछ सिपाही किराए पर रहते हैं। उन्हीं लोगों की दम पर इन लोगों ने पुजारी को काफी मारा पीटा। पुलिस ने इन लोगों का ना ही मेडिकल कराना उचित समझा और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही करना उचित समझा। यह लोग रात में जिला अस्पताल चले आए और यहीं पर भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। इन लोगों ने अराजक तत्वों से अपनी जान का खतरा बताया है, जबकि पुलिस मामले को लीपापोती करने में लगी है। प्रदीप अवस्थी, क्राइम रिपोर्टर, उन्नाव। हाथ जलता है, यानी उसकी माँ ने दवा मंगाया और स्वतः ये जो है हटा दे, हाथ वगैरह किन लिया कर, हाथ खोला। कपड़ा दिखाओ, उनको तो इनको सारे पैर खुले तो बहुत बुरा चल रहा है। चले गए